हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए अगर वे इंडियन पिनल कोड को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि आप जितना पढ़ोगे जितना डिटेल में जाके इन टॉपिक्स को पढ़ोगे आपका इंडियन पिनल कोड का कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा शार्प एंड क्लियर होगा तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम आपको क्राइम का कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से स्टडी करना पड़ेगा आप बहुत से एंगल से वेरियस एंगल से इसको स्टडी कीजिए कि क्या मतलब है एक्चुअल मतलब क्या होता है क्राइम का राइट इसको एक दो लाइन का सिर्फ एक डेफिनेशन पढ़ने से नहीं होगा इसको आप डिटेल में स्टडी कीजिए कौन से एक्ट को कब किस तरह से क्राइम कहा जाएगा राइट right? तो तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्राइम का जो कंसेप्ट है इसको एकदम डिटेल में स्टडी करें नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको डिटेल में एकदम स्टडी करना है वो है एलिमेंट्स ऑफ क्राइम इसमें देखिए मैंस्रिया एक्ट्रियास तो ये सब जो है इसको तो एकदम डिटेल में जाकर स्टडी कीजिए इसको आप जितना डिटेल में स्टडी कीजिएगा आपको ये उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा एंड ये टॉपिक्स के आपका हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को बहुत अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करें नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखिए जनरल एक्सेप्शन जनरल एक्सेप्शन को आप जितना स्टडी कीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम या फिर जितने सेक्शंस है उसको आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाइएगा तो इंडियन पिनल कोड का हर एक सेक्शंस को जनरल एक्सेप्शन से होके ही गुजरना पड़ता है देखिए जनरल एक्सेप्शन जो है सेवेंटी सिक्स से लेके वन जीरो सिक्स ऑफ आईपीसी में दिया गया है तो राइट इसको आप एकदम डिटेल्स में पढ़िए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड ये आपका इंडियन पिनल कोड का कंसेप्ट जितने भी क्राइम है जितने भी सेक्शंस हैं उन सब का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर करवा देगा नेक्स्ट देखिए विकारियस एंड जॉइंट लाइबिलिटी इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है विकारियस लाइबिलिटी एंड जॉइंट लाइबिलिटी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपको एकदम डिटेल में स्टडी करना है ये है स्टेजेस ऑफ क्राइम वेरियस स्टेजेस ऑफ क्राइम्स आर देयर तो उन सारे स्टेजेस को एकदम बिल्कुल ही डिटेल में जा स्टडी कीजिए तो तीस आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप अगर डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपका इंडियन पिनल कोड का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टू वीडियो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा